हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ मौसम, योर फ्रेंड इन चाइना। तो आज मुझे अपनी यूनिवर्सिटी जानी है क्योंकि हम लोगों की अब से ऑफलाइन क्लासेस होंगी, तो यूनिवर्सिटी जाकर ही क्लास लेनी होगी। एंड टुडे इज़ आल्सो माय फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट सेमेस्टर, और आज मैं आप लोगों को अपनी यूनिवर्सिटी भी दिखाऊंगा। सो लेट्स गो। अभी मैंने अपने लिए हवाई जहाज़ मंगवा लिया और यहाँ से मैं जाऊँगा सबवे। वैसे मैं जाऊँगा सबवे में ही, लेकिन क्योंकि यहाँ से सबवे थोड़ा सा दूर है मेरे घर से 2 किलोमीटर। वैसे मैं बाइक चलाकर भी जा सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा लेज़ी हूँ मैं, तो मैंने ये कैब मंगवा ली है। अभी यहाँ से सबवे में जाएंगे, और यहाँ से मेरी यूनिवर्सिटी काफ़ी दूर है क्योंकि मैं 2019 में जब आया था यहाँ पर, और उसके बाद जो है मैंने, क्योंकि कोविड स्टार्ट हो गया था, और उसके बाद जो है फिर मैं यूनिवर्सिटी में नहीं रहा, फिर मैं बाहर आ गया था। तो फिर मैंने, मुझे पता ही नहीं था कि आप कुछ पता नहीं था उस वक्त कि आप कितना टाइम लगेगा वापस यूनिवर्सिटी आने में, और उसके बाद मैं वापस यूनिवर्सिटी शिफ्ट भी नहीं हुआ, और अब लास्ट सेमेस्टर है। तो मेरा यही प्लान है बाहर रहने का, क्योंकि क्लासेस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, वीक में 2 दफ़ा ही जाना होगा स्कूल। तो इस तरह कैब और सबवे में ही ट्रैवल करके वहाँ जाऊँगा, क्योंकि मैंने अब रेंट पे भी लिया है ये अपार्टमेंट, फिर मैं अब वापस इसे पे बैक करूँगा, यहाँ से निकलूँगा तो काफ़ी लॉस होगा। इस वजह से मैं अब यहीं पर रहने का मेरा प्लान है, और यूनिवर्सिटी जाएंगे यहीं से। तो वैसे मैं आज काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं 3 साल बाद जो है अपनी यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, और अपने सारे दोस्तों से मिलूँगा, क्योंकि मेरे सारे दोस्त भी वापस आ गए हैं वो यूनिवर्सिटी में ही, अब क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस होंगी। तो लेट्स सी। अभी मैं सबवे स्टेशन पहुंच चुका हूं, और इस सबवे स्टेशन का नाम है चाइना एक्सिबिशन सेंटर, क्योंकि इसके सामने ही चाइना का वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सिबिशन सेंटर बना हुआ है। तो फाइनली मैं यूनिवर्सिटी पहुंच चुका हूं, और ये हमारी यूनिवर्सिटी का ईस्ट गेट है, तो मैं अभी यहीं से अंदर जाऊंगा। ये मेरा स्कूल है चाइनीज़ लैंग्वेज का, क्योंकि मैं यहाँ पर मेजर पढ़ रहा हूँ इंटरनेशनल टीचिंग ऑफ चाइनीज़ लैंग्वेज, और ये जो है चाइनीज़ लैंग्वेज का स्कूल है। सो मेरी जो भी क्लासेस होती हैं वो इसी स्कूल में होती हैं। तो अभी मैं यहीं जा रहा हूँ, लेकिन अभी मेरी क्लास स्टार्ट होने में टाइम है, तो जब तक मैं थोड़ी सी वीडियो बनाता हूँ। यहाँ पर क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से उन्होंने गेट पर इस तरह के कर्टन्स लगाए हुए हैं। ये हमारे चाइनीज़ स्कूल का मेन हॉल है। अभी क्योंकि क्लासेस चल रही हैं सबकी, तो इस वजह से यहाँ कोई दिख नहीं रहा। ये हैं वो खोंगजू बाबा, जिनकी वजह से चाइना में बहुत सारे लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है। अभी कॉरिडोर्स में कोई भी नहीं दिख रहा क्योंकि सबकी क्लासेस चल रही हैं। यहाँ पर सारे क्लासेस बने हुए इस तरह के, और 1 बजे है मेरी क्लास, और 12 जैसे ही बजेंगे यहाँ पे भेड़ बकरों की तरह सब लोग बाहर आ जाएंगे। तो मेरी तो क्लास 1 बजे है, तो मैं अभी जा रहा हूँ खाना खाने, क्योंकि 12 बजे तो फिर बैठने की जगह भी नहीं मिलती। तो मैं सबसे पहले जाऊँगा अपना कार्ड रिचार्ज करूँगा, क्योंकि 3 साल से तो इस्तेमाल किया नहीं है, तो वो चलते हैं, उसके बाद क्लासरूम में जाएंगे। ये हमारी यूनिवर्सिटी की मेन रोड है, और इसके एंड पर जो है एक सुपरमार्केट बनी हुई है, वहाँ पर मैं अपना कार्ड रिचार्ज कर सकता हूँ, क्योंकि कैंटीन वगैरह जाने में जो है वो आप स्टूडेंट कार्ड इस्तेमाल करना होता है, वो आप अपने वीचैट से उसमें अपने कार्ड में रिचार्ज कर सकते हैं, फिर यूनिवर्सिटी की कैंटीन यूनिवर्सिटी की सुपरमार्केट में से इस्तेमाल कर सकते हैं। चाइनीज़ में सुपरमार्केट को बोलते हैं छाओश। तो अगर आपको चाइनीज़ नहीं आती तो आपको कुछ वर्ड्स ऐसे सीखने पड़ेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर ये चीज़ है। तो हम यूज़ करने वाले ये वाली मशीन कार्ड रिचार्ज करने के लिए। तो ये मेरा कार्ड है, सबसे पहले आप इसे यहाँ रख दें, उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है ज़ुजूफू, सो सेल्फ सर्विस, मुझे सेल्फ सर्विस चाहिए, और सेल्फ सर्विस पे जाएँ। और फिर यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं, क्योंकि आपको वाईफाई ख़रीदना होता है या वाईफाई बहुत सारी चीज़ों का बिल पे करना होता है। खैर मुझे अभी रिचार्ज करना है, तो मैं इसे कर लेता हूँ, और ये खुद ही फिर जो है मेरा नंबर डिटेक्ट कर लेगा, और जो भी है मेरा स्टूडेंट कार्ड नंबर, और फिर यहाँ पे मुझे प्राइस लिखनी होगी कि मुझे कितने पे करना है। लेट्स से मैं 50 yuan कर देता हूँ, तो 50 yuan लिखने के बाद आप इसे कंफर्म कर दें श्वेन, और फिर ये कोड दे दिया इसने मुझे, वीचैट से स्कैन करना होगा और पे करना होगा, तो मैं पे करता हूँ पहले। तो देखें रिचार्ज होने के बाद अब ये मुझे दिखा रहा है कि मैंने जो है पैसे पे कर दिए, और जो अब मेरा अमाउंट है कार्ड में वो 59 yuan है। ये यूनिवर्सिटी के अंदर की एक सुपरमार्केट है, यहाँ पे नॉर्मली सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को मीट या वेजिटेबल्स लेने हैं वो यहाँ नहीं मिलते, वरना फ्रूट्स और खाने पीने की सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। अच्छा, चाइना में हर यूनिवर्सिटी में एक ना एक मुस्लिम कैंटीन होती है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है छिंगचन शिरथांग, तो यानी का मतलब है ये हलाल है। यहाँ पर वैसे सारे मुस्लिम नहीं आते,
को चाइनीज़ भी आते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक ट्रे ले लेते हैं। तो मैंने अपना खाना ले लिया और मुझे ये मील जो है 12 यूएन का पड़ा है। इसमें मीट है, वेजिटेबल्स हैं, राइस है और एक नान भी है छोटा सा। तो अभी क्योंकि लंच टाइम चल रहा है, इस वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं वो घूम फिर रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, क्लासेस के लिए जा रहे हैं। और मेरे सामने जो है ये अरेबिक स्कूल है, यहाँ पर अरेबिक लैंग्वेज रिलेटेड क्लासेस होती हैं। और ये जो है लाइब्रेरी है। और मैं एक कम्प्लीट ब्लॉग बनाऊँगा अपनी यूनिवर्सिटी की पूरी। आज जो है सिर्फ मेरा फर्स्ट डे, तो अभी 10 मिनट बाद मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है 1 बजे।你要找大概80到100个人呢，所以要快一点了。你们找多少人了？तो अभी यहाँ 3 बज रहे हैं, मेरी क्लास ख़त्म हो गई है और बस आज एक ही क्लास थी। और अब मैं वापस जा रहा हूँ क्योंकि मेरे 4 बजे जो वर्क स्टार्ट हो जाएगा, और जो वर्क है वो मेरे घर के करीब ही है। तो मैंने अभी यहाँ से डायरेक्ट कैब ली है और अब मैं डायरेक्ट वहीं जाऊँगा। तकरीबन 1.5 घंटे लगेंगे मुझे जाने में, और फिर मैं वहाँ जाकर अपना वर्क स्टार्ट करूँगा। तो थोड़ा सा ही टफ हो गई है लाइफ, क्योंकि जब सब ऑफलाइन क्लासेज होगी तो इस तरह ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी मुझे। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि सिर्फ वीक में 2 दिन ही क्लास हैं तो ये अच्छा है, इतना ज़्यादा कुछ ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं होगी। और मैं कंप्लीट ब्लॉग बनाऊंगा मेरी यूनिवर्सिटी पर, उसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।